वेलकम एवरीवन। लेट्स सी बैंक निफ्टी कल का मोमेंटम कर सकता है और कैसे कैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज हम देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप खुला था, पर इसे हम खास गैप अप नहीं मानते। फिर थोड़ा नीचे जाके ऊपर की तरफ हायर एंड हायर का पैटर्न बनाया, बहुत अच्छा एक पैटर्न बना है। और यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। आज इसलिए लाइव नहीं आए क्योंकि आज मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं था, तो दिख ही रहा था सुबह से कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं। तो आज थोड़ा बिजी डे भी था, इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कल हम लाइव आएंगे और देखते हैं कल कहाँ बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा या कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 300 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होके 45,400 या 45,300 तक आता है, तो 45,400 से हम थोड़ा सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, और 45,300 तोड़ते हैं तो और ज्यादा सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा टारगेट 45,000 तक हो सकता है। तो 45,400 से नीचे हम थोड़ा सेलिंग की तरफ फोकस करेंगे, और बाइंग की तरफ हम तब फोकस करेंगे अगर बैंक निफ्टी कल यहीं के आसपास खुल जाता है और फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ऐसे मूव करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम बाइंग की कोशिश करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, देन दोबारा ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा तो हम बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे और अल्टीमेट टारगेट होगा 45,900। तो बाकी हम कल देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे कैसे मूव करता है। ओके।